झारखंड प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को मंत्री पद का दर्जा मिला है, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया, उन्हें सम्मानित किया है। आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को महागठबंधन की सरकार को लेकर समन्वय समिति का गठन किया गया, उसमें उन्हें सदस्य के रूप में चुना गया है और मंत्री पद का दर्जा दिया गया है। अब कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसे लेकर खुशी का माहौल है और राजेश ठाकुर को उन्होंने सम्मानित किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी इसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, समन्वय समिति में राजेश ठाकुर को सदस्य के रूप में चुना गया और उन्हें मंत्री पद का दर्जा भी मिला है, इससे राज्य के विकास में बहुत ही सहायता मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हमें सभी मंत्रियों का सहयोग मिलेगा और सभी के साथ मिलकर काम करने का अवसर भी मिलेगा। आपको बता दें कि झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। कैबिनेट की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। राज्य में विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से चेयरमैन प्रमुख और सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया। इस समिति में जेएमएम और कांग्रेस के भी कई नेता को शामिल किया गया है। समिति में शामिल सभी सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। समन्वय समिति बनी थी तीनों दलों की और उसमें तय हुआ था कि सभी लोग सरकार में किस तरह से सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, योजनाओं का लाभ सभी को मिले, आधारभूत संरचनाएं जो है, पलायन जो हो रही है, उद्योग कैसे बढ़े, उन सारी चीज़ों पर एक चर्चा करने के लिए और उस पर कैसे आगे बढ़ना, वो एक कमेटी बनी थी। उसको सरकार ने मान्यता दी है और उसमें सभी सदादरणीय गुरु जी के नेतृत्व में ये कमेटी बनी है।